नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10 के द गंगा चैप्टर के कम्प्रीहेंशंस का। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा इजी होगा। कम्प्रीहेंशन करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आपने इसके हिंदी टेक्स्ट का अध्ययन अच्छी तरह से किया हो। अगर आपने अभी तक इसके हिंदी टेक्स्ट का अध्ययन नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए। हमारे चैनल के क्लास 10th के इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको द गंगा चैप्टर मिलेगा। उसका आप पहले अध्ययन करिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए। और उसके बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। तो चलिए अपने वीडियो पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ से कहता है कि आई हैव रिसीव्ड से लेकर इंडिकेटेड बिलो। पैसेज का ध्यान से अध्ययन कीजिएगा, पैसेज से ही बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम अपने पैसेज को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि बोर्ड में तो दिया रहेगा लेकिन हमें अभी यहाँ अपने अपनी बुक में ढूंढना पड़ता है। तो आई हैव रिसीव्ड से लेकर इंडिकेटेड बिलो या फिर टू माय इनअमरेबल उसके बाद प्रिजर्व तक, तो ढूंढ लेते हैं। तो हमारा पैसेज होगा यहाँ से आई हैव से लेकर इंडिकेटेड बिलो यहाँ तक। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, फिर मैं क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन एंड ऑल्सो गिव द नेम ऑफ द राइटर। तो इस प्रश्न में यानी अध्याय का नाम और लेखक का नाम पूछ रहा है। तो अगर आपने द एंचेंटेड पूल और ए लेटर टू गॉड चैप्टर के कम्प्रीहेंशंस का अध्ययन किया है तो आसान बात है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। मेरे बिना बताए ही आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आपको हमेशा के लिए एक बात याद कर लेनी है। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये लाइनें आपको हमेशा के लिए याद कर लेनी है कि दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। उसके बाद आपको यहाँ पर द गंगा यानी जो अध्याय होगा उसका नाम लिख देना है, उसके बाद फुल स्टॉप लगाना है, उसके बाद लिखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी लेखक का नाम लिखना है, उसके बाद इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन यानी बदलता है सिर्फ द गंगा और लेखक का नाम, बाकी सारी की सारी लाइनें हमेशा एकदम सेम ही रहती हैं। यानी दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, वहाँ पे लेसन के बाद अध्याय का नाम लिखिए, उसके बाद फुल स्टॉप लगाने के बाद उस अध्याय के लेखक का नाम लिखने के बाद लिख दीजिए कि इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। इसे हमेशा के लिए याद कर लीजिए, हमेशा आपको काम देगा। स्टेंजा में स्टेंजा हो जाएगा पैसेज के स्थान पर, बाकी सारा का सारा वैसे ही रहना है। तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन कि व्हाट डज द ऑथर ओ टू हिज कॉमरेड्स एंड कलीग्स यानी अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों से क्या प्राप्त किया है लेखक ने। वो मतलब ऋण भी कह सकते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो उन्हें अपने साथियों और सहकर्मियों से मिली। तो यहाँ पे आप इसका आंसर देख सकते हैं। देखिए मैं आंसर तो बता ही रहा हूँ, लेकिन आप अपनी बुक और पेपर लेकर साथ में बैठिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए। खुद से गलती ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं। खुद से ट्राई करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको कुछ ना कुछ लिखना आ जाएगा, बहुत नहीं आएगा लेकिन कुछ ना कुछ आएगा, और धीरे धीरे कुछ कुछ करके आपको पूरा आ जाएगा। चलिए तो सेकंड आंसर है कि द ऑथर ओज द डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हिज कॉमरेड्स। अगर आपने इसके हिंदी टेक्स्ट का अध्ययन किया है तो ये सारी मीनिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हैं। अब बार बार हिंदी एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, ठीक है। एंड कलीग्स, तो अपने असंग साथियों से डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी बहुत अधिक ग्रेटिट्यूड का ऋण है उनके ऊपर। यानी सीधी सी बात है कि द ऑथर ओज द डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हिज कॉमरेड्स एंड कलीग्स बिकॉज क्योंकि दे हैड बीन ज्वाइंट पार्टनर्स, क्योंकि वे ज्वाइंट पार्टनर्स यानी साथी रहे हैं इन ग्रेट वर्क्स महान कार्यों में एंड इन ट्रिम्थ एंड सारोज विजय में और दुख में। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिज़ायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ। लेखक की उसकी मृत्यु के बाद उसकी इच्छा क्या है, यानी जब लेखक की मृत्यु हो जाए तो उसकी इच्छा क्या है, उसके साथ क्या किया जाए। पैसेज में खुद से ढूंढना है आपको, ठीक है। फिर देखिए मैं बता रहा हूँ कि द राइटर डिज़ायर्स दैट आफ्टर हिज डेथ हिज बॉडी शुड बी क्रिमिटेड वेयर ही डाइस यानी जहाँ कहीं पर भी वो मरें उनकी बॉडी उनके शरीर को जला दिया जाए। फोर्थ क्वेश्चन, वेयर शुड हिज एसेस बी सेंड, उनकी अस्थियों को कहाँ भेजा जाना चाहिए। तो आंसर होगा कि इफ़ द ऑथर डाइज इन अ फॉरेन कंट्री यानी अगर लेखक जो है विदेश में मर जाता है तो ही इज विशेस दैट हीज बॉडी शुड बी क्रिमिटेड देयर, तो वह चाहता है कि उनकी जो शरीर है उनके शरीर को वहीं पर जला दिया जाए एंड हीज एसेस बी सेंट टू अलाहाबाद और उनकी अस्थियों को अलाहाबाद भेजा जाए।
देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स लिखने हैं, काउंटलेस है और ये है पुट टू फायर, बर्न्ड इनटू फायर, इसका तो वही क्रिमिटेड होगा। और काइंटलेस होगा, देख लीजिए ये होगा काउंटलेस का इनअमरेबल यानी अशंक, और ये पुट टू फायर यानी क्रिमिटेड, जलाना। सेकेंड स्टैंजा है कि बी वाला कि माई डिज़ायर टू हैव वास्ट प्लेन बिलो, ढूंढ लेते हैं पहले, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है माई डिज़ायर से और ख़त्म यहाँ पे हो रहा है प्लेन बिलो, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा अपने से, एक बार पढ़ लीजिएगा फिर क्वेश्चंस पे आइए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पैसेज। तो ये तो वही वाला सेम है जो हमने पहले किया है, यानी जो इसका पहला है वही इसका पहला है, तो इसके वाले पहले आंसर को इसमें भी लिख देना है, कोई गलती नहीं होगी। उसके बाद वाई इज ऑथर रिमाइंडेड ऑफ द स्नो कवर्ड माउंटेन्स ऑन सीइंग द रिवर गंगा, यानी गंगा नदी को देखकर लेखक को बर्फ़ से ढकी हिमालय की चोटियों की याद क्यों आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला तो सेम ही रहेगा सेकंड वाला का, कि द ऑथर द रिवर गंगा रिमाइंड्स द ऑथर द स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड डीप वैलीज द हिमालयास बिकॉज ही लव्ड देम वेरी मच, ये THEM देम वेरी मच, क्योंकि वह उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए गंगा नदी उन्हें हिमालय की बर्फ़ से ढकी चोटियों और डीप वैलीज गहरी घाटियों की याद दिलाती है। थर्ड, हुज़ वेरिंग मोड्स, किन के बदलते हुए रूपों को ETC और एग्जैक्ट्रा एग्जैक्ट्रा हैज़ द ऑथर रिफर्ड, लेखक प्रदर्शित करता है टू इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पैसेज, इस पैसेज के पहले पैराग्राफ में। फिर से आराम से, कि हुज़ वेरिंग मोड्स, किसके बदलते रूपों को ETC और दूसरे अन्य गुणों को हैज़ द ऑथर रिफर्ड, लेखक प्रदर्शित करता है इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस ऑफ द पैसेज, इस पैसेज के पहले पैराग्राफ में। तो इसका आंसर हो जाएगा, भाई अध्याय ही पूरा का पूरा गंगा पे है, तो वही बात है कि द ऑथर हैज़ रिफर्ड टू द वेरिंग मूड्स ऑफ द रिवर गंगा एंड यमुना, गंगा और यमुना नदी के बदलते रूपों के बारे में लेखक कहता है। फोर्थ क्वेश्चन कि हाउ कैन इट बी सेड, ऐसा कैसे कहा जाता है दैट द रिवर गंगा, कि गंगा नदी रिप्रेजेंट्स, प्रदर्शित करती है इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारत के कल्चर और सिविलाइजेशन को ऐसे कैसे कह सकते हैं कि गंगा नदी प्रदर्शित करती है, रिप्रेजेंट करती है। आंसर देखते हैं इसका, इट कैन बी सैड, ऐसा कहा जा सकता है दैट कि द गंगा रिप्रेजेंट्स, गंगा रिप्रेजेंट करती है इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारत के कल्चर और सिविलाइजेशन को, बिकॉज इट हैज़ बीन अ सिंबल, क्योंकि यह एक प्रतीक है ऑफ इंडियाज, भारत के एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारत के उस पुराने कल्चर और सिविलाइजेशन का यह एक प्रतीक है, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि यह भारत के उस महान कल्चर और सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। फिफ्थ है कि चेंजिंग और लार्ज, इन दोनों का सिनोनिम देना है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है पहले से ही, आप देख सकते हैं, चेंजिंग यानी बदलते हुए यानी वेरिंग, और लार्ज यानी वेस्ट यानी विशाल, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पैसेज कि द गंगा स्पेशली हैज़ बीन कास्ट, पहले ढूंढ लेते हैं पैसेज। तो ये पैसेज होगा यहाँ पे द गंगा स्पेशली से हैज़ बीन कास्ट यानी हैव बीन कास्ट तक, ठीक है। एक बार पैसेज को पढ़ लीजिए, उसके बाद आइए क्वेश्चन आंसर पर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन। तो ये पहला वाला तो सबका सेम ही रहता है, तो आप पहले वाले का पहले में कर लीजिएगा, यानी ये लेखक का नाम लिखना है और अध्याय का नाम लिखना है। सेकेंड, व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज, गंगा किसको प्रदर्शित करती है या फिर गंगा किसका प्रतीक है। फर्स्ट आंसर सेम है, सेकेंड वाला देखिए, द गंगा सिंबलाइजेस इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, अभी अभी किया था, फिर से वही है सेम। थर्ड है कि व्हाई इज द गंगा बिलव्ड ऑफ द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों को गंगा नदी क्यों प्रिय है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि देखिए, द गंगा इज बिलव्ड ऑफ द इंडियन पीपल, इसे आपको जाके वहाँ पे देख लेना, एक बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है और वीडियो छोटा बने इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। द गंगा इज बिलव्ड ऑफ द इंडियन पीपल बिकॉज इंडियाज रेशियल मेमोरीज, हर होप्स उनकी आशाएँ, हर फियर्स उनका भय, हर सॉन्ग्स आम तृप्त उनके विजय के गीत, एंड डिफीट्स और हार आर इंटरट्वेंट INTERTWINED, इंटरट्वेंट यानी मडराती है राउंड हर उसके चारों ओर, ठीक है।
इसलिए भारत के लोगों को गंगा नदी प्रिय है। फोर्थ है कि व्हाट डज द गंगा रिमाइंड पीटी नेहरू ऑफ, गंगा नदी पंडित जवाहरलाल नेहरू को किसकी याद दिलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द गंगा रिमाइंड्स, गंगा याद दिलाती है पीटी नेहरू, पंडित नेहरू को ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज, बर्फ से ढकी चोटियों और गहरी घाटियों की, ऑफ हिमालयस, हिमालय की, एंड द रिच एंड वास्ट, रिच यानी हरा भरा, एंड वास्ट और विशाल प्लेन्स, उस भूभाग की बिलो जो नीचे का है। ठीक है, फिर से वही कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स विक्ट्री, इसको आपको ध्यान देना है, ये पूछे गए प्रश्न हैं, ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा, विक्ट्री का भी और मिक्स्ड इंटीमेटली का भी। देखिए इसका होगा, विक्ट्री का होता है जीत यानी त्रिम्थ, और मिक्स्ड इंटीमेटली का होता है इंटरट्वेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। डी वाला पैसेज है कि स्माइलिंग एंड डांसिंग ऑफ द फ्यूचर, तो ढूंढते हैं पहले, तो ये वाला है कि स्माइलिंग एंड डांसिंग से लेकर ओशियन ऑफ द फ्यूचर, यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक छोटा सा है, देखते हैं। देखिए पहला तो है राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द पैसेज हैज बीन सिलेक्टेड, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, तो ये वाला तो सेम है, यानी पहला वाला सबका सेम है। सेकंड, व्हाट डज द गंगा लुक लाइक ड्यूरिंग द मानसून, मानसून यानी बरसात के मौसम में गंगा कैसी दिखती है, तो फर्स्ट वाला सेम है। सेकंड का आंसर है कि ड्यूरिंग मानसून द गंगा लुक्स ब्रॉड पोशम्ड, गंगा चौड़ी छाती वाली दिखती है, एंड विथ सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और समुद्र की नष्ट करने वाली शक्ति को धारण कर लेती है। अगला, वाट अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार वाट क्या इज द सीन, दृश्य होता है ऑफ द गंगा, गंगा का, लाइक इन मॉर्निंग, सुबह, एंड व्हेन द इवनिंग शैडो फॉल्स, यानी सुबह और शाम को लेखक के अनुसार गंगा कैसे दिखती है। तो इसका होगा कि अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार द गंगा लुक्स स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग, सुबह गंगा मुस्कुराती और नाचती हुई प्रतीत होती है, एंड डार्क अंधकार में, ग्लूम एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, डार्क अंधकार में, ग्लूम एंड फुल ऑफ मिस्ट्री इन द इवनिंग, यानी शाम को रहस्य से भरी हुई प्रतीत होती है, ग्लूम का होता है उदास। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ, हाउ डज अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार कैसे द गंगा लुक ड्यूरिंग द राइटर विंटर, यानी सर्दियों में गंगा नदी कैसी दिखती है, लेखक के अनुसार आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा भाई, पतली धारा वाली हो जाती है, सिंपल है कि द गंगा लुक्स लाइक अ नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल, पतली धीमी और शांत स्ट्रीम धारा वाली हो जाती है इन विंटर, गर्मियों में, यानी इसकी धारा पतली धीमी और शांत हो जाती है, कब, सर्दियों में। व्हाट इज द सीन ऑफ गंगा लाइक ड्यूरिंग द मानसून, यानी मानसून यानी बरसात के मौसम में गंगा का दृश्य कैसा होता है, तो ये तो अभी अभी कराया लेकिन फिर से कर लेते हैं इसको, कि ड्यूरिंग मानसून, मानसून के दौरान द गंगा लुक्स ब्रॉड बॉसम्ड एंड विथ सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, अभी अभी मैंने करा दिया था, फिर से करा दिया भाई। अगला है कि विच वर्ड इन द अबव नोटेड पैसेज गिव द सिनोनिम्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, तो ये सी है और ये रून है, तो सी का भाई ओशियन दिया है, ढूंढ लेंगे आपको वहाँ पे ओशियन मिल जाएगा, लास्ट में ही ख़त्म ही होता है कि फ्यूचर ओशियन पे, और रून का होता है नष्ट करना, डिस्ट्रॉय, ठीक है, सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, वहाँ पे लिखा है, आप ढूंढ सकते हैं। एक पैराग्राफ, पांचवा पैराग्राफ हमारी तरफ से है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है हमने, ढूंढेंगे तो आपकी पुस्तक में आपको मिल जाएगा, यहाँ से एंड से लेकर इंडिया सोर्स तक। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लीजिए फिर मैं बताता हूँ कैसे कैसे प्रश्न हैं, सभी ज़्यादातर पूछे गए प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो भाई पहला ये देखिए पैसेज है हमारा, एंड दो से लेके इंडिया सोर्स तक, पहला प्रश्न यहाँ पे है, सभी प्रश्न आपको याद कर लेने हैं, ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्नों को याद तो मत कीजिएगा लेकिन एक बार एक्सरसाइज कर लीजिएगा इन प्रश्नों पर, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं, कि वाई हैज़ नेहरू डिस्कार्डेड मच ऑफ दी पास्ट ट्रेडिशंस, यानी भारत, मतलब नेहरू ने पुराने रीति रिवाजों को, ज़्यादातर पुराने रीति रिवाजों को क्यों छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसका होगा कि नेहरू हैज़ डिस्कार्डेड मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशंस एंड कस्टम, पुराने रीति रिवाजों को छोड़ दिया है, मच ऑफ, यहाँ पे देखिए मच ऑफ यानी ज़्यादातर, बिकॉज क्योंकि दे बाइंड, क्योंकि वो बांधते हैं, एंड कंस्ट्रेन और रोकते हैं इंडिया भारत को, एंड डिवाइड हर पीपल और उसके लोगों को अलग करते हैं, पहला प्रश्न था। दूसरा, व्हाट डज द राइट ऑथर वांट, लेखक क्या चाहता है इंडिया, भारत से, टू गेट रिड हर सेल्फ ऑफ, यानी भारत से या फिर ऐसे
कि लेखक भारत को किस चीज से स्वतंत्र कराना चाहता है। इसका होगा कि द ऑथर वांट्स, लेखक चाहता है इंडिया भारत से टू गेट रिड हर सेल्फ, कि वह अपने आप को स्वतंत्र करा ले ऑफ ऑल सेकल्स, उन सभी जंजीरों से दैट बाइंड, जो उसे बांधती हैं, एंड कंस्ट्रेन, और रोकती हैं हर पीपल, उसके लोगों को, यानी जो उसे बांधती हैं और लोगों के विकास को रोकती हैं। ठीक है, ठीक है, आगे थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द राइटर्स कॉन्शियस ऑफ, लेखक किस बात के लिए सजग है। कॉन्शियस का होता है सजग, वहाँ पे आपने देखा होगा कि मैं भी कॉन्शियस हूँ, मैं भी सजग हूँ कि मैं उस कड़ी का एक भाग हूँ। तो देखिए, द राइटर इज कॉन्शियस, लेखक किस लिए जागरूक है, ऑफ दैट ही टू, कि वहाँ भी लाइक ऑल ऑफ अस, हम सभी की तरह, इज अ लिंक, एक कड़ी है इन द अनब्रोकन चेन, उस अनब्रोकन चेन की, विच गोज बैक, जो जाती है टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, भारत के इतिहास तक, इन द इन मेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, यानी पूरा पूरा मिला के वही कि भारत के इतिहास के उदय तक जाती है। फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लास्ट होमेज, अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, द ऑथर, लेखक की अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में टू इंडिया कल्चरल इनहेरिटेंस, INHERITANCE, इनहेरिटेंस, यानी भारत की महान विरासत को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में लेखक क्या प्रदान करते हैं। ये देखिए कि द लास्ट होमेज ऑफ द ऑथर टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस वाज दैट, वह यह है कि ही वांटेड, वह चाहते हैं अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेस, उनकी एक मुट्ठी अस्थियां बी थ्रोन, बहा दी जाएं, प्रवाहित कर दी जाएं इन टू द गंगा, गंगा नदी में, एट अलाहाबाद, अलाहाबाद के गंगा नदी में। तो बस यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इसका लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।